अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई साहब, टेक्नो अपनी फॉर्म में वापस आ चुका है। हाल ही में हमने देखा कि टेक्नो ने अपनी स्पार्क सीरीज की 7 प्रो डिवाइस को काफी अग्रेसिव और क्रेजी स्पेसिफिकेशन के साथ पाकिस्तान के मार्केट में लॉन्च किया, और अभी तक तो इस यूजर्स जो है ना 20,000 रुपए के प्राइस टैग के अंदर इस डिवाइस की काफी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि इस डिवाइस के मेन हाईलाइटिंग फीचर थे, डिस्प्ले में आप लोगों को हाई रिफ्रेश रेट दिया गया था, एक गेमिंग चिपसेट प्रोवाइड किया गया था, साथ ही इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को अच्छे कैमरास की सपोर्ट भी प्रोवाइड की थी। ये कुछ फीचर्स थे जिसकी वजह से यूजर 20,000 रुपए के प्राइस टैग के अंदर इस डिवाइस का डिमांड कर रहे थे। और अब टेक्नो एक और डिमांडिंग डिवाइस लॉन्च करने वाला है, और मैं बात कर रहा हूं कैमन सीरीज की 17 प्रो डिवाइस की। दोस्तों, कीनिया के मार्केट में तीन नए डिवाइसेस को लॉन्च किया गया कैमन सीरीज के, एक है कैमन 17, कैमन 17 प्रो, कैमन 17 पी। पर पाकिस्तान के मार्केट में हमें लीक्स मिल रही है कि 17 प्रो पहले लॉन्च किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि 17 प्रो के अंदर आप लोगों को क्या-क्या स्पेसिफिकेशंस मिलने वाली हैं, डिवाइस की क्या प्राइसिंग होने वाली है, और कब तक ये डिवाइस पाकिस्तान के मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, पर वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल पर नए हैं को सब्सक्राइब कर दे, जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन आइकन शो हो जाएगा, उसको दबा के जरूर ऑल पे कर लीजिएगा ताकि हमारे सब नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए जैसे हम चैनल पर कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं। और आप सब लोगों को बताओ, अगर आप लोग टेक्नो से थोड़ा बहुत वाकिफ है कि टेक्नो की जो कैमन सीरीज है ना, वो काफी हद तक कैमरा सेंट्रिक सीरीज रह चुकी है। पर इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि भाई ये सिर्फ कैमरा यूजर्स के लिए बनाई गई है, बल्कि ये एक गेमिंग डिवाइस भी होने वाली है। वो कैसी होने वाली है, स्पेसिफिकेशंस के बारे में आप लोगों को बताता हूं, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। सबसे पहले इसका डिस्प्ले देखिए, आप लोगों को 6.8 इंच का स्क्रीन साइज दिया गया है, 1080p पिक्सल रेजोल्यूशन वाली, एक फुल HD+ डिस्प्ले पैनल दिया गया, ऑल्दो एक IPS LCD पैनल दिया गया, बट इस चीज की कमी को पूरा करने के लिए आप लोगों को डिस्प्ले में हाई रिफ्रेश रेट 90Hz का सपोर्ट भी प्रोवाइड किया गया। स्क्रीन का डिजाइन देखें तो आप लोगों को सेंटर पंच और स्क्रीन डिजाइन दिया गया, और पहले हम देख रहे थे कि इन्फिनिक्स और टेक्नो की तरफ से हमें जो स्क्रीन के डिजाइन थे ना, उनके अंदर पंचोल की प्लेसमेंट लेफ्ट साइड पर देखने को मिलती थी, बट रिसेंटली कुछ नोट 10 प्रो के भी लीक्स आए, वहां पर पता चला कि सेंटर पंचोल स्क्रीन डिजाइन देखने को मिलेगा। और टेक्नो की कैमन 17 प्रो डिवाइस तो लॉन्च भी हो चुकी है, तो यहां से कंफर्म हो जाता है कि टेक्नो जो है ना, अब हाई रिफ्रेश रेट आप लोगों को बजट में तो प्रोवाइड कर ही रहा था, तो इस डिवाइस के अंदर तो देखना बनता ही था। और साथ ही डिस्प्ले के अंदर आप लोगों को डिजाइन के अंदर चेंज देखने को मिल रहा है। वैसे भी फर्दर और कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिले, कैमन 16 प्रो के अंदर भी आप लोगों को तकरीबन यही स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही थी। फर्दर मूव ऑन होते हुए इस डिवाइस की डिजाइन लैंग्वेज और बिल्कुल क्वालिटी की बात करते हैं। दोस्तों, स्मार्टफोन की साइड पर आप लोगों को प्लास्टिक का फ्रेम मिलेगा, बैक बिल्ड भी प्लास्टिक की होगी। इस डिवाइस की बैक लुक डिजाइन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। बैक पे आप लोगों को क्वाड कैमरास की सपोर्ट प्रोवाइड की गई है, जिसमें आपको मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का मिलेगा और ये एक वाइड का होगा। साथ ही यहाँ पे जो दूसरा कैमरा लगाया गया है, ये एक 8 मेगापिक्सल का AI कैमरा, जहां पे टेक्नो ने अपनी टाइवोस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा काम करेगा। बाकी जो दो मॉड्यूल्स हैं उनके अंदर आप लोगों को एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलेगा। इस डिवाइस के अंदर जो सेल्फी शूटर लगाया गया ना, ये है मेन हाईलाइटिंग फीचर इस डिवाइस का, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की मार्केट में ये वन ऑफ द चीपेस्ट डिवाइस होने वाली है, जिसमें आप लोगों को फ्रंट साइड पर 48 मेगापिक्सल की सेल्फी सपोर्ट मिलने वाली है। दोस्तों, इस हिसाब से आप लोगों को आइडिया तो हो ही गया होगा कि इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी निकल के आने वाली है। ना सिर्फ इसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी होने वाली है, बल्कि इस डिवाइस की गेमिंग परफॉर्मेंस, इस डिवाइस की डे टू डे यूजेस भी काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर लगाया गया है MediaTek Helio G95 का चिपसेट, एक 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड चिपसेट है, जिसमें आपको CPU ऑक्टाकोर मिल जाता है और GPU लगाया गया Mali का G76। आउट ऑफ द बॉक्स ये डिवाइस एंड्रॉइड 11 के सपोर्ट पर रन हो रही होगी, साथ ही आप लोगों को टेक्नो की HOIS की लेटेस्ट UI मिल रही होगी। तो इससे पहले G95 का चिपसेट जो है हमें Realme 8 डिवाइस के अंदर देखने को मिल गया है, Infinix के Note 10 Pro के अंदर भी लीक्स मिल गया कि हमें यही चिपसेट देखने को मिलेगा, और टेक्नो की कैमन 17 प्रो जो कि कीनिया के मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुकी है, तो उसके अंदर भी आप लोगों को यही चिपसेट देखने को मिल रहा है। तो अब लेट्स सी, देखते हैं कि पहले Infinix की डिवाइस हमें देखने को मिलती है, टेक्नो की देखने को मिलती है। Infinix की तरफ से तो हमें लीक्स यहां से मिली थी कि 18 मई को Infinix Note 10 Pro पाकिस्तान के मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया, तो लेट्स सी, देखते हैं कि Infinix Note 10 Pro कब तक लॉन्च होता है। तो यहां से आप लोगों को अंदाजा हो ही जाएगा कि आप लोगों को टेक्नो की इस डिवाइस के अंदर कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली, क्योंकि Realme 8 के अंदर भी हमें जो PUBG वगैरह की परफॉर्मेंस थी और डे टू यूज थी ना, वो काफी अच्छी देखने को मिल रही थी। बाकी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि यार कंपनी की रैम ऑप्टिमाइजेशन कितनी अच्छी है, UI ऑप्टिमाइजेशन कितनी अच्छी है, तो प्रोसेसर उस हिसाब से वर्क कर रहा होता है। बाकी इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को 8GB की रैम मिलने वाली है और साथ 256GB की स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज तो हाँ जरूर थोड़ी पुरानी है, EEMC 5.1 की लगाई गई, तो मेरे ख्याल से 8GB के साथ 128GB का पेयर कर देते हो, यहाँ पे स्टोरेज तो थोड़ी लेटेस्ट UFS की लगा देते हो, थोड़ा ज्यादा बेहतर था। ये मेरे ओपिनियन है, आप लोगों के पास में क्या ओपिनियन है लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। बाकी आप लोगों को 5000mAh की बैटरी दी गई है, उसके अंदर बॉक्स में 25W का चार्जर मिलेगा, आप लोगों को फास्ट चार्जर और साथ टाइप सी कनेक्टिविटी मिलेगी। तो भाई ये थी ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस टेक्नो की इस कैमन 17 प्रो की, आप लोगों को कैसी लगी मैं ये जानना चाहता हूं, आप लोगों को इसे कमेंट के अंदर मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि इस वर्ष की क्या प्राइस होने वाली है। तो दोस्तों, यहां पे जो लीक्स के मुताबिक हमें प्राइस पता चल रही है ना, वो कुछ 30,000 है, क्योंकि ये डिवाइस कुछ 30 से ऊपर निकल गई ना, तो आप लोगों के पास ऑलरेडी Realme 8 ऑप्शन मौजूद है, और इसके अलावा भी टेक्नो की प्रीवियस वर्स वाली ऑप्शन मौजूद है जो कि सेम सिमिलर स्पेसिफिकेशंस के साथ अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो मेरे ख्याल से इस डिवाइस की प्राइस भी 30,000 तक ही होनी चाहिए, क्योंकि
क्योंकि इस सुपर फिर बेहतर है भाई आप Realme 8 बाय कर ले, एमोलेड डिस्प्ले और इससे बेहतर स्पेसिफिकेशंस मिल रहे हैं। हाँ रैम रोम वाइज थोड़ा आप लोगों को फर्क देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल एक अच्छी डिवाइस है Realme 8, एक अच्छे पैकेज के साथ लॉन्च की गई है। तो ये तो थी डिवाइस के प्राइसिंग की बात, अब बात की जाए डिवाइस कब तक लॉन्च होने वाली है। तो भाई डिवाइस की लॉन्च डेट एग्जैक्ट तो अभी तक कंपनी की तरफ से अनाउंस नहीं की गई, इतना जरूर बताया गया कि ईद के 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये डिवाइस पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च होने वाली है। तो तब तक के लिए मुझे फर्दर कोई और भी न्यू अपडेट निकल के आते हैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। उसके लिए करना आपने सिर्फ ये कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पुराने भी है तो नोटिफिकेशन आइकन को अगर ऑल पे नहीं किया ना तो बाकी तो उसको ऑल पे कर लीजिए, क्योंकि जब ये डिवाइस लॉन्च होगी तो इसका आप लोगों को अनबॉक्सिंग की वीडियो मिलेगी, ऑनेस्ट ओपिनियन मिलेंगे, पब्जी टेस्ट, कैमरा टेस्ट, सबको डिटेल में चेक करके आप लोगों को बताएंगे भाई कि ये डिवाइस आप लोगों को कंसीडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अब मुझे मोहसिन नकवी, अल्लाह हाफिज।